रैंकिंग और ऑर्डरिंग का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम फाइंड आउट करेंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ पर्संस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ पर्संस हमने मॉडल वन में भी फाइंड आउट करने सीखे थे, लेकिन मॉडल वन और मॉडल थ्री में डिफरेंस ये है कि मॉडल वन में हमें जो पोजीशन दी हुई थी किसी पर्टिकुलर पर्सन की दोनों एंड से दी हुई थी और हमें टोटल नंबर ऑफ पर्संस फाइंड आउट करने थे, ठीक है। मॉडल थ्री में हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें दो डिफरेंट पर्संस की डिफरेंट पोजीशंस अगर हमें दी हो तो हम उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड पॉइंट है यहाँ पर, इन अ रो ऑफ टोटल पर्सन इफ़ द पोजीशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर एल एंड आर रिस्पेक्टिवली एंड देर आर ए एन पर्सन बिटवीन ए एंड बी, देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो विल बी गिवन एज फॉलो, ठीक है। तो एक रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताने हैं हमने, अगर पोजीशन ए एंड बी की लेफ्ट हैंड से ए की और राइट हैंड से किसी बी पर्सन की पोजीशन दी हुई है एल और आर में और उनके बीच में एन नंबर ऑफ पर्सन्स है, ए एंड बी जो पर्सन्स है जिनकी पोजीशन लेफ्ट एंड राइट हैंड से दी हुई है, अगर उनके बीच में जो पर्सन्स बैठे हुए हैं एन नंबर ऑफ पर्सन्स और वो हमें दिए हुए हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरह के केस है। फर्स्ट केस है यहाँ पर कि अगर लेफ्ट हैंड से ए की पोजीशन दी हुई है और राइट हैंड से हमें बी की पोजीशन दी हुई है और इनके बीच में एन नंबर ऑफ पर्सन्स है जो इनके बीच में बैठे हुए हैं, इनके इस रो इनके बीच में जो पर्सन्स है उनके नंबर हमें दिए हुए हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट करेंगे L प्लस एन प्लस आर, यानी कि L एंड पे जो A की पोजीशन है प्लस जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बीच में बैठे हैं A और B के प्लस जो R राइट साइड से D की पोजीशन हमें दी हुई है, ठीक है। तो हम इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करेंगे L प्लस एन प्लस आर, लेफ्ट हैंड पोजीशन A की एक पर्सन की प्लस एन जो बिटवीन ए एंड बी के दोनों पर्सन के बीच में जो पर्सन बैठे हैं उनके नंबर्स प्लस बी की पोजीशन राइट हैंड से, ठीक है। सेकेंड केस है यहाँ पर कि अगर ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाए, बी ए की पोजीशन पर हो और ए बी की पोजीशन पर हो, तो हम उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड केस दिया हुआ है हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड से बी की पोजीशन और राइट हैंड से ए की पोजीशन, अब जो पोजीशंस है वो इंटरचेंज हुई है और इस केस इनके बीच में बी और ए के बीच में एन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है कि जो ए की पोजीशन है वो राइट के क्लोजेस्ट है, ठीक है, और बी की पोजीशन है वो लेफ्ट के क्लोजेस्ट है, लेकिन उनका जो रैंक दिया हुआ है या जो पोजीशन दी हुई है वो लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से ही दी गई हो, तो हम इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है वो फाइंड आउट करेंगे L यानी कि लेफ्ट हैंड पोजीशन प्लस R यानी कि राइट हैंड पोजीशन माइनस N, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड से एक ही पोजीशन दी हुई है लेकिन वो राइट के क्लोजेस्ट है तो यहाँ पर जो n नंबर ऑफ पर्सन है ये रिपीट होंगे, है ना, क्योंकि हम इन्हें यहाँ से लेके यहाँ तक हम काउंट कर चुके हैं। और अगर हम राइट हैंड से b की पोजीशंस काउंट करेंगे तो भी ये यहाँ पर रिपीट होंगे, तो इसलिए माइनस n n यानी कि जो इनके बीच में a और b के बीच में जो पर्सन हैं, ठीक है, माइनस n माइनस टू। माइनस टू क्यों, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड से a की पोजीशन ले रहे हैं तो बी भी काउंट हो रहा है, ठीक है, और जब राइट हैंड से बी की पोजीशन ले रहे हैं तो ए काउंट हो रहा है, तो ये दोनों पर्सन्स भी वन प्लस वन टू टाइम्स यहाँ पर जो है रिपीट हो रहे हैं, इसलिए माइनस टू। तो क्लियर है आपको कि अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमें फाइंड आउट करने हो तो एल प्लस एन प्लस आर, और अगर इंटरचेंज पोजीशंस हो तो एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू, ठीक है। तो इस तरह से आप जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, अमित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड रवि इज 15th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ बॉयज,
What is the total number of boys in a row if there are 5 boys between Amit and Ravi? ठीक है, अमित की पोजीशन है 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और रवि की 15 राइट हैंड से बॉयज की रो में, और हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं रो में कितने हैं, और अगर रवि और अमित के बीच में 5 बॉयज हों तो सिंपली अगर हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने हैं तो टोटल बॉयज होंगे लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ पर्सन जो इनके बीच में बैठे हैं प्लस राइट पोजिशन ऑफ द पर्सन। लेफ्ट यहाँ पर अमित की पोजीशन जो 12th पोजीशन पर है, और आर यहाँ पर रवि की पोजीशन जो 15th पोजीशन पर है राइट से, और एन यहाँ पर जो इनके बीच में बॉयज बैठे हैं, 5 बॉयज बैठे हैं इनके बीच में। ठीक है, तो इज इक्वल टू एल है यहाँ पर 12, एन है यहाँ पर 5 और आर है यहाँ पर 15, तो ये होगा 32। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो हमने केस वन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। अगर हम केस टू के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो सेकेंड आंसर इसका हो सकता है, अगर सपोज कि 32 ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है, तो हम इसको सेकेंड केस से सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस से कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें टोटल बॉयज फाइंड आउट करने हैं। टोटल बॉयज एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू, तो एल है यहाँ पर 12, आर है यहाँ पे 15, एन है यहाँ पे 5 और माइनस टू। 12 प्लस 15 27, 27 माइनस 5 22, 22 माइनस 2 20। तो अगर हम देखें तो 20 ऑप्शंस में नहीं है, इसका मतलब 32 इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अगर हमें ऑप्शंस में दोनों ही ऑप्शन ना दी हो, जो हमने दोनों आंसर फाइंड आउट करे 32 और 20, या जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर रहेगा, तो अगर हमारे पास दोनों ही आंसर ना दिए हों तो हमारा आंसर रहेगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को कि यहाँ पर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने हो, किस केस में, जब डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट पोजीशन दी हो, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड प्लस नंबर ऑफ पर्सन जो उनके बीच में बैठे हैं प्लस राइट हैंड पोजीशन, ठीक है, इस पॉइंट की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं।